नमस्कार साथियों, हमारा नाम है केबी और इस वीडियो में हम 4 मार्च 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। भारत ने किस स्थल को 2020 में विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामित किया? तो भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर दो स्थलों को नामित किया गया है। एक तो है धौलावीरा और दूसरा है दक्कन सल्तनत के स्मारक और किले। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यूनेस्को का जो 44वां सम्मेलन है यह चीन के फुजू शहर में इस वर्ष आयोजित किया जाएगा। वहीं पर अगर हम भारत सरकार के द्वारा नामित दोनों स्थलों के बारे में बात करें तो धौलावीरा आपको मिलेगा गुजरात में, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं दक्कन सल्तनत की तो इसके अंतर्गत आपको बीदर का किला, बीजापुर का स्मारक, गोलकुंडा का किला और गुलबर्गा का किले मिलेंगे। तो ये सारे दक्कन सल्तनत के अंतर्गत आते हैं, जहां पर 5 डायनेस्टी का शासन रहा था। वहीं पर अगर हम लोग राज्यों के क्रम में बात करें तो 2019 में मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा मांडू स्मारक को और कर्नाटक की सरकार के द्वारा होयसला के मंदिर को शामिल करने की मांग की गई थी। भारत की बात करें तो यहाँ पर आपको यूनेस्को के कुल मिलाकर के 38 साइट्स मिलेंगी, यानी कि 38 स्थल हैं। यूनेस्को का मुख्यालय आपको मिलेगा पेरिस में, फ्रांस की राजधानी है और इसके अध्यक्ष आद्रे अजोले। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व वन्य जीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दिसंबर 2013 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। वहीं पर अगर हम बात करते हैं इस दिवस की तो यह मुख्य रूप से जंगली जीवों और वनस्पतियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और 3 मार्च को यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1973 में लुप्त प्राय प्रजातियों के ऊपर साइट्स को स्वीकृति मिली थी, यानी कि साइट्स को अंगीकृत किया गया था। और थीम इस बार की है सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन दी अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवों का जीवन जरूरी है। आर्थिक सहयोग व विकास संगठन, बात हो रही है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की। तो इसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जो विकास दर है कितने प्रतिशत अनुमानित की गई? तो इन्होंने कहा है कि भारत की ग्रोथ रेट होगी 5.1%। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। सदस्य देशों की संख्या है 36, लेकिन आपको याद रखना है कि भारत OECD का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, खाड़ी के किस देश ने विदेशियों को अस्थायी प्रीमियम रेजिडेंसी परमिट देने की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की सऊदी अरब ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और सबसे पहले इन्होंने भारतीय मूल के लुलू समूह के अध्यक्ष यूसुफ अली एमए को यहाँ पर अस्थाई प्रीमियम रेजिडेंसी परमिट दिया है, यानी कि अब कोई विदेशी को अस्थाई परमिट दी गई है कि वह सऊदी अरब में निवास कर सकता है। राजधानी यहाँ की है रियाद और मुद्रा आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। जम्मू व कश्मीर में स्थित सर्कुलर चौक का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो सर्कुलर चौक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका नाम बदल करके अब रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में स्थित सिटी चौक का नाम बदल करके भारत माता चौक रखा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा किस अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? तो ये घोषणा की गई है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के लिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर हम लोग राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की बात करें तो ये आपको चंबल नदी के करीब मिलेगा। इसका कुछ हिस्सा राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी आता है। वहीं पर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की बात करें तो यह गंगा डॉल्फिन और लुप्त प्राय घड़ियाल की प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। और घड़ियाल की जो पूरे भारत में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं उनका 75% आपको राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में मिलेगा। अब यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन की बात हुई है तो इको सेंसिटिव जोन मुख्य रूप से उस स्थान को कहते हैं जो सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है इस प्रकार से कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियाँ इसके साथ साथ कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाता है और ये पूरी तरीके से पर्यावरण
और वन मंत्रालय के अधीन होता है। दिल्ली NCR में डोर स्टेप डीजल डिलीवरी के लिए किसके द्वारा हम सफ़र ऐप को लॉन्च किया गया? तो हम सफ़र ऐप को यहाँ पर लॉन्च किया है संतोष गंगवार जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। संतोष गंगवार जी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के चंदौली से सांसद हैं और वर्तमान में ये श्रम और रोजगार मंत्री भी हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ समय पहले संतुष्ट नाम के पोर्टल की भी शुरुआत की थी ESIC के कर्मचारियों के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बात हो रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इसने किस राज्य के साथ 6 उपकरण हायरिंग केंद्रों के निर्माण के लिए समझौता किया? तो इन्होंने ये समझौता किया है त्रिपुरा के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये समझौते में होगा क्या, तो आपको पता होगा या नहीं पता है तो जान लीजिए, जो भी हमारी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके द्वारा कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि उन कंपनियों की कुछ सामाजिक जिम्मेदारी होती है कि वह समाज के लिए भी कोई कार्य करें। तो इसी के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा त्रिपुरा के धलई जिले में 6 उपकरण को किराए पर लेने वाले केंद्रों के निर्माण के लिए समझौता किया गया है, यानी कि त्रिपुरा के धलई जिले में 6 ऐसे केंद्र का निर्माण करेंगे जहां पर कृषि से संबंधित, पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित उपकरण होंगे और इन्हें लोग किराए पर ले सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। किस देश में आयोजित किया जाने वाला अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण स्थगित कर दिया गया? तो ये स्थगित किया गया है मलेशिया में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 29वां संस्करण था, मलेशिया में 11 से 18 अप्रैल को आयोजित किया जाना था, लेकिन अब इसे 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। मलेशिया की बात करें तो राजधानी यहाँ की कुआलालंपुर है, मुद्रा है रंगीत और PM यहाँ के हैं मुहियुद्दीन यासीन। किस राज्य में वार्षिक कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की शुरुआत हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई उत्तराखंड में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में इसका आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया? तो उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और इसमें 11 देशों की योग शिक्षक और चिकित्सक शामिल हुए हैं। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव प्रत्येक वर्ष 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक ऋषिकेश में ही आयोजित किया जाता है। और ऋषिकेश की बात हुई है तो यहाँ पर आपको मिलेगा लक्ष्मण झूला, जिसके स्थान पर भारत का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2020 में किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस हुई? तो पेपरलेस विधानसभा यहाँ पर हुई है अरुणाचल प्रदेश की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन सी है, तो घोषणा सबसे पहले की थी हिमाचल प्रदेश ने 2014 में ही, लेकिन पिछले वर्ष अगर आपको याद हो तो एक विधानसभा भवन का उद्घाटन किया था PM ने झारखंड में, जब वह साहिबगंज में दूसरे मल्टी मॉडल पोर्ट का उद्घाटन किया था उसी दौरान इन्होंने झारखंड की विधानसभा का भी उद्घाटन किया था और उस समय कहा गया था कि ये देश की पहली पेपरलेस विधानसभा होगी। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ई विधान परियोजना के कार्यान्वयन के अंतर्गत अपनी विधानसभा को पेपरलेस घोषित किया है। जोमैटो व RBL किस बैंक ने किसके साथ मिलकर एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा इन्होंने की है मास्टर कार्ड के साथ में मिलकर के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और यहाँ पर मास्टर कार्ड, जोमैटो और RBL ने ये टारगेट रखा है कि अगले 2 वर्षों यानी कि 24 महीनों में हम 1 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे लोगों को। मास्टर कार्ड की बात करें तो इसके CEO वर्तमान में कौन है, अजय बंगा, लेकिन नए CEO का नाम घोषित हो चुका है जो कि होंगे माइकल माइबेस। RBL बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1943 में हुई थी, मुख्यालय है महाराष्ट्र में और MD और CEO इसके हैं विश्ववीर आहूजा। प्रत्येक वर्ष विश्व श्रवण दिवस यानी कि वर्ल्ड हेयरिंग डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बहरेपन और श्रवण शक्ति के ह्रास के बारे में जो सुनने की क्षमता है उसमें जो ह्रास हो रहा है उसको रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है और थीम इसकी है हियरिंग फॉर लाइफ, डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू, यानी कि हियरिंग आप कह सकते हैं या सुनना आपका जीवन है और अगर आप सुनना बंद कर देते हैं तो यह आपके सीमा का नुकसान होता है, यानी कि आपकी सीमा का इससे नुकसान होता है। किस कंपनी ने
कैश नामक म्यूचुअल फंड प्लेटफार्म लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया है चीन की मोबाइल फोन निर्माता कंपनी ओप्पो ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यहाँ पर ये जो ओप्पो कैश नाम का म्यूचुअल फंड प्लेटफार्म है, इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है। उसको यहाँ पर मुफ्त क्रेडिट रिपोर्ट मिलेगी, 2 लाख तक का व्यक्तिगत ऋण मिलेगा और स्क्रीन बीमा की भी सुविधा मिलेगी ओप्पो कैश के अंतर्गत। और आखिरी प्रश्न है, जोगिंदर सिंह सैनी जिनका हाल ही में निधन हुआ कौन थे? तो जोगिंदर सिंह सैनी की बात करें तो ये भारत के प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 1970 में सबसे पहले ये अमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कोच बने थे और भारत सरकार के द्वारा 1997 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया गया था। तो यहाँ पर करंट अफेयर समाप्त होता है। अब चलिए कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। इंडिगो एयरलाइंस ने किस बैंक के साथ मिलकर पहला सह प्रयोजक काचिंग क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो ये इन्होंने लॉन्च किया है HDFC बैंक के साथ में मिलकर के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और मैंने आपको बताया था इसके अंतर्गत 2 श्रेणियां होंगी और ये क्रेडिट कार्ड मास्टर कार्ड के द्वारा पावर्ड बाई है। स्थापना इसकी 1994 को हुई थी। HDFC बैंक की मुख्यालय है महाराष्ट्र के शहर मुंबई में। MD है आदित्यपुरी और टैग इसका है बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने किस खिलाड़ी को अपने एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।